वेलकम टू परसेंटाइल क्लासेस। सो वी आर इन ओल्डेस्ट गोल्ड सीरीज, जिसमें हम 04th सेशन पे है, जिसमें हम पैरा जंबल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। 2019 से लेके अभी तक जितने क्वेश्चन पैरा जंबल्स रिलेटेड एग्जाम में आए हुए एपीमेट एंड जेपीमेट में, उन सबको इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या कितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं पैरा जंबल्स से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग। इन आईपीमेट इंडोर पैराजम्बल्स कम्स इन टीटा फॉर्मेट, यानी कि नॉन एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं वो, ठीक है। तो 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 3 क्वेश्चन, 2021 3, एंड 22 एंड 23 में 5-5 क्वेश्चंस आए हैं। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक आईपीमेट इंदौर में आए हुए हैं दैट आर 19। एंड जेपीमेट के बारे में बात करें तो 2021 में जेपीमेट स्टार्ट हुआ था, 04 क्वेश्चन थे, एंड 2020 में 2 क्वेश्चन थे, 2023 में 2 क्वेश्चन थे, एंड टोटल 8 क्वेश्चन अभी तक जेपीमेट में आए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को, 27 क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड रेफर टू द पीडीएफ फर्स्ट व्हिच इज अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल विद द नेम ऑफ ओल्डेस्ट गोल 04 एपीमेट 2024, ठीक है। इस पीडीएफ को पहले रेफर करें, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद सोल्यूशन वीडियो देखें, ठीक है। एवरीवन, मैं आपको बता दूं, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पे दी हुई है। वेरियस फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल स्टिल अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल, जिनको आप फॉलो करिए, एग्जाम्स की अपनी प्रिपरेशन और टॉप नॉच करने की कोशिश करें। एंड दिस इज द ओल्डेस्ट गोल्ड सीरीज के सारे वीडियोज यहाँ पे 04 पे है। हम पैरा सिंबल सॉल्व करने वाले हैं, अभी देखें, शुरू करते हैं पैरा सिंबल्स को सॉल्व करना। तो आई होप आपने पैराजिम्बल्स को कैसे सॉल्व करना है, रूल्स बेस्ड वीडियो दैट आई हैव मेड, उसको आपने देखा हुआ है। अगर नहीं देखा हुआ है तो उसकी लिंक मैं शेयर करूंगी, उसको जरूर देखिएगा। एंड देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट सॉर्ट इट आउट फ्रॉम देयर। और यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सॉल्व के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके बारे में, ट्रिक्स के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एपीमेट इंदौर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जैसे आप देख सकते हो, जो आप देखेंगे तो यू कैन सी दैट देयर इज अ प्रोनाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस व्हिच यूजुअली टेल्स अस कि यहाँ से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ था हंटर गैदरर, ठीक है, इससे उनको समझ में आ जाएगा दिस इज द नाउन, ठीक है। तो सेकेंड सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे अपने सीक्वेंस को। द हंटर गैदरर वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिस वाज फॉलोड बाय एन अटेम्प्ट टू ग्रो फूड बाय स्कैटरिंग द स्पेयर ग्रेन्स, ठीक है। स्पेयर ग्रेन्स उन्हें जब स्कैटर किया, एज द क्रॉप बिगिन टू गिव बेटर ईल्ड दिस रिड्यूस हिज नीड टू गो इन सर्च ऑफ एनिमल्स एंड वाइल्ड प्लांट एंड फॉर सेंटर ही जस्ट हार्वेस्टेड द वाइल्ड ग्रेन्स, ठीक है। तो उन्हें वाइल्ड ग्रेन्स को हार्वेस्ट किया। अब इस सारे सीक्वेंस को जब हम जमाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड सेंटेंस आएगा, आफ्टर दैट दिस वाज फॉलोड बाय एन अटेम्प्ट टू ग्रो फूड बाय स्कैटरिंग द स्पेयर ग्रेन्स, उन्हें स्पेयर ग्रेन्स को फैला के शुरू किया था, ठीक है। शुरुआत यहां से हुई थी, यानी कि आफ्टर बीइंग अ हंटर गैदरर दे स्टार्टेड टू दे अटेम्प्टेड टू ग्रो फूड, यानी कि 2 और 4, एंड देन ही जस्ट हार्वेस्टेड द वाइल्ड ग्रेन्स, तो उन्हें जब हार्वेस्ट किया तो वो सिर्फ वाइल्ड ग्रेन्स को उन्हें हार्वेस्ट किया, दैट मीन्स फर्स्ट। एंड एट द लास्ट आपका 3 सेंटेंस आएगा, क्रॉप बिगिन टू, मतलब क्रॉप तो बाद में आएगी ना, ठीक है। सो 2 4 1 3 इज योर सीक्वेंस, यही आपका आंसर होगा। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नाउ पीपल आर 1 इंजरी अवे फ्रॉम, तो किन पीपल के बारे में बात करें, वी डोंट नो, सो इस तो स्टार्टिंग नहीं होगी। सेकंड सेंटेंस, सून हाउएवर शी नोटिसेस द लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक मेडिकल केयर और एजुकेशन, तो अगेन शी इज देयर। सो आगे बढ़ते हैं, लाइफ इन रूरल कश्मीरी विलेज सीम्स एडलिक टू शालिनी, तो हमें आंसर मिल गया कि थर्ड से स्टार्ट होगा हमारा सीक्वेंस। एट फर्स्ट एज शी इज बीफ्रेंडिंग लवली पीपल एंड एडमायरिंग मेजेस्टिक नेचुरल scenery, specially in contrast to the cacophony of urban Mumbai. Now, moreover, the ever-present political disruption meant that life in Kashmir is far from Shangri-La utopia. ठीक है, तो utopia यानी कि एक ideal situation, जिसके ideal social structure जो कि उसने imagine किया था। तो third से हमने start किया अपने sequence को, after third, ठीक है, क्या आना चाहिए, soon, however, ठीक है, यानी कि उसने सोचा कि ये बहुत idyllic है। Soon, however, ये हमें बता रहा है that this is the turning point, यानी कि 3 के बाद हम 2 put करेंगे। She notices the lack of access to basic medical care or education, और उसके और क्या क्या उसने notice किया, people are
अवे फ्रॉम स्टार्वेशन, यानी कि फर्स्ट आएगा उसके बाद, एंड देन मोर ओवर द एवर प्रेजेंट पॉलिटिकल डिसरप्शन मेंट दैट लाइफ. सो दिस इज द काइंड ऑफ यू नो कंक्लूजन यू कैन से दैट फोर्थ को हम लास्ट में पुट करेंगे. सो आपका आंसर जो फाइनल आंसर होगा वो 3, 2, 1, 4 होगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन. नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, आईपीमेट इंदौर 2019 में ही आया था, एज वी हैव सीन इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ कि आईपीमेट इंदौर 2019 देयर वर 3 क्वेश्चन. तो ये 19 का लास्ट क्वेश्चन है. अब इन 3 क्वेश्चन से जो आपको नोटिस करना है वो ये भी है दैट स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन वर इजी, आप बहुत आसान था उनको सीक्वेंस करना. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द केस, यूजुअली यही सिनेरियो भी रहता है. इफ देयर आर 3 क्वेश्चन ऑफ पैराजम्बल इन टीटा फॉर्मेट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी 2 क्वेश्चन वेरी इजी, एंड थर्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू मेक यू यू नो थिंक अ लिटिल मोर हार्डर सो दैट यू गेट टू द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए. Now the first sentence, the study published in the Lancet recently revealed that people living in democratic countries live longer. Okay, यहाँ पे दो study बात की गई है, that means a particular study they are referring to, which is you know cannot be the starting sentence. Now second, incredible as it may sound, we are now told that democracy is not just good for soul, it is good for body too. Okay, now third, without pressure from voters, now ये भी तो starting नहीं हो सकती. Now fourth, the study suggests that election and health of the people are increasingly inseparable. तो अगर अभी तक जो हमने sentences पढ़े हैं उसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा that what is the central point in this entire parajumble. Central point ये है that democracy is good for you know solely soul. We knew that now, but it is good for body itself. ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है जिसके बारे में हम थ्रू आउट द पैरा डिस्कस करने वाले हैं. तो जब भी आप सेंट्रल पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाओ सो दैट इज एक्चुअली योर स्टार्टिंग सेंटेंस इटसेल्फ. ठीक है, तो सेकंड से हमें स्टार्ट करनी चाहिए अपने सीक्वेंस को. ठीक है, नाउ सेकंड से स्टार्ट करने के बाद अब उसके बाद हमें क्या पुट करना चाहिए. Fourth, the study suggests that elections are and the health of people are increasingly inseparable. Now fifth is a study spanning 170 countries found a strong correlation between health and the most form of government. ठीक है, तो यहाँ पे we have talked about democracy, how it's good for body itself, and then we have a study, and this is a usual thing. Okay, a study and the study, that means a study is going to come first. So second is the starting. After that, 5 will follow. ठीक है, and then you have the study suggests the election and the health of the people are increasingly inseparable. ठीक है, एंड द स्टडी यानी कि 1 और 4 के बीच में एक लिंक रहने वाली है, द स्टडी पब्लिश्ड इन दी. सो यहां से हमें पता चल रही है कि 5th में जो स्टडी के बारे में बात की है उसको और डिटेल हमें 5, 1 में मिल रहा है, यानी कि 2, 5 एंड देन 1 विल फॉलो. ठीक है, एंड देन फिर तो उसके बाद हमारा सीक्वेंस बिल्कुल ईजी हो जाता है, यू विल पुट 4 एंड देन एट द एंड 3. ठीक है, 2, 5, 1, 4, 3. सो एज आई टोल्ड यू ये लास्ट क्वेश्चन था टीटा का 2019 में जो आया. ठीक है, सो 3 क्वेश्चन, 2 इजी, 1 अ बिट हार्डर टू सॉल्व, राइट. देन कमिंग टू 2020 आईपीमैट इंदौर, फोर्थ क्वेश्चन जो है, हाउ एवर दे स्टैंड आउट बिकॉज दे हेल्प द फिल्म मेकर रियलाइज हिज पर्सनल आर्टिस्टिक, सो दे स्टैंड आउट. अभी हमें समझ में नहीं आ रहा किस चीज के बारे में बात करें, सो बी को रीड करते हैं. एन इंडियन फिल्म रेफर्स टू इंडिपेंडेंट फिल्म्स मेड आउटसाइड, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि इस पैरा में एन इंडी फिल्म के बारे में बात हो रही है. बी से स्टार्टिंग करेंगे हम, देयर रिलीज इज ऑल्सो लिमिटेड, ऑल्सो बोल रहा है हमें, इसका मतलब ये बी के डायरेक्टली बात तो नहीं आने वाला. मोस्ट ऑफ सच फिल्म आर लो बजट फिल्म produced and distributed by small companies. ठीक है, तो दिस मीन्स बी के डायरेक्टली बाद में डी मिलेगा. ठीक है, आफ्टर दैट आई गेस बिकॉज यहाँ पे ऑल्सो लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें सी मिलेगा. आफ्टर दैट हाउ एवर दे स्टैंड आउट. ठीक है, हाउ एवर अभी तक हम बता रहे थे कि वो किन चीजों में लिमिटेड है, मतलब वॉट आर दी शॉर्ट कमिंग्स इन अ वे फॉर द इंडी फिल्म. देन हाउ एवर इज अ टर्निंग पॉइंट. ठीक है, दे स्टैंड आउट बिकॉज दे हेल्प द फिल्म मेकर रियलाइज हिज पर्सनल आर्टिस्टिक विजन. ठीक है, सो ए हमारा लास्ट सेंटेंस होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आईपीएमएट इन 2020. ठीक है, तो मेंटल इलनेस कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन एज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू पुअर हेल्थ इन स्पाइट ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. द डेटा रिवील दैट एन एस्टिमेट
वन इन सेवन इंडियंस और 27 मिलियन पर्सन सफर फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर एट वेरिंग डिग्री ऑफ सीवियरिटी इन 2017. देयर इज ऑलवेज मोर टू ह्यूमन हेल्थ देन मीट्स द आई. ठीक है, नाउ ये वो सेंटेंस है जो हमें बता रहा है दैट द व्हाट दिस व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया. ठीक है, सेंट्रल आइडिया मैंने कहा क्या है, व्हेन यू से मीट्स द आई दैट मींस व्हाट यू सी बाय द अपीयरेंस. ठीक है, तो सी सेंटेंस का मीनिंग ये है कि ह्यूमन हेल्थ में इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ द पर्सन इज अपीयरिंग, वेदर द पर्सन अपीयर्स सिक और नॉट. ठीक है, तो ये इन अ वे इट्स टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ. सो सी से हम अपने सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड देन दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, और ये दिस ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, दिस मेंटल हेल्थ थिंग व्हिच इज बीइंग इंप्लाइड इन द सी सेंटेंस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन इंडियन कल्चर एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट विद आउटवर्ड अपीयरेंस. फिर आप समझ गए, मीट द आई यानी कि आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ फिजिकल वेलबींग इज ऑफन कंसिडर्ड द ओनली विजिबल मार्कर ऑफ ओवरऑल हेल्थ. ठीक है, सो सी डी इज अ सीक्वेंस. उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउ द डेटा रिवील्स दैट एन एस्टिमेट 1 in 7 इंडियन और 1 in 7 मिलियन पर्सन. नाउ यहाँ पे क्रंच ये है दैट वेदर यू आर गोइंग टू पुट बी फर्स्ट और ए फर्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा हिंट यहाँ पे जो अपन को मिल रहा है वो ये है दैट यू कैन सी दैट यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है बी सेंटेंस में, एंड देन अगेन बी इज ऑल्सो अबाउट इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, या मतलब स्पेसिफिकली आपको बताया गया कि हाँ ऐसा है. ठीक है, तो इट्स यू नो अ डायरेक्ट लिंक, बी गेट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू बी. ठीक है, अच्छा ए में वो लिंक नहीं है बिकॉज ए तक आते आते दिस गेट्स टू ऑब्वियस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस हम जमा सकते हैं, इट विल बी सी डी बी ए. नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज अगेन 2020 एपीमेट इंदौर. सो एज आई टोल्ड यू पीपल के भाई ये थर्ड क्वेश्चन है अगेन ऑफ 2020, 3 क्वेश्चन आए थे तो थर्ड क्वेश्चन ये है, तो ये थोड़ा सा हार्डर टू यू नो सीक्वेंस होने वाला है. एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस करने के लिए सेंटेंसेस भी 5 है, ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, सो लेट्स सी कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन. इट वॉज फेल्ट दैट द मेजर पोल्यूटर्स हैड मोरल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर ऑन द एग्रीमेंट रीच्ड सम इयर्स अगो ड्यूरिंग अ सिमिलर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. The papers presented indicated that the impacts of the current warming are much more severe than previously understood. ठीक है, तो अभी भी हमें वो sentence नहीं मिल रहा जो हमें बता पाए कि actually कहाँ से हमें शुरुआत करनी है. It appears that the planet's ability to adapt to and cope with how it is being treated is frame. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये हमारा एक ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है. इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. ये बात कर रहे हैं कि प्लैनेट जो है चेंज होते हुए एनवायरनमेंट या जो प्रेशर ह्यूमन पुट अप कर रहा है उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा. नाउ फॉर एग्जांपल द एक्सेलरेशन ऑफ सी लेवल राइज एंड ओशन वार्मिंग रिस्क टू रीचिंग लिमिट्स ऑफ एडेप्टेशन. दिस इज वॉट इमर्ज एट अ रीसेंट कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय द लार्जेस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी ऑन क्लाइमेट साइंस. ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस पढ़ के ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सी से हम अपने सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे. नाउ अगर आप ई को रीड करोगे सो ई में इट सेज दिस. ठीक है, नाउ दिस इज अ लिंक बिटवीन लाइक दिस किसके बारे में बात कर रहा है, दिस बात कर रहा है सी के बारे में. ठीक है, सी में जो पॉइंट बोला गया, सो सी एंड ई इज अ पेयर. दिस इज व्हाट इमर्ज्ड, ऐसा इमर्ज हुआ था रीसेंट कॉन्फ्रेंस attended by larger scientific community on the climate science. ठीक है, and then अब I always tell you people that you know example always followed on idea. ठीक है, तो idea ये है कि जो changes हो रहे हैं they are too quick, the planet is not able to adapt. तो उसका example हमको कहाँ मिल रहा है, D में. So C, E and D. For example, the acceleration of sea level rise and ocean warming and increasing risk of reaching limits to adaptation. ठीक है, Now, the papers presented, paper कहाँ पे present हुए थे? Conference में indicated that the impacts of the current warming are much more severe than the previously understood. It was felt, or final जो हमें conclusion मिल रहा है, it was felt the major polluters had a moral obligation to deliver. तो ये हमारा उस बोल सकते हैं कि climate convention का ये हमारा conclusion रहा. ठीक है, so see. E, D, B and A. This is the particular sequence. ठीक है, तो यहाँ पे 2020 तक के जो क्वेश्चन आए थे टीटा में वो हमारे कंप्लीट होते हैं. नाउ
राउंड 21 के बारे में बात करेंगे हम। सेवेंथ क्वेश्चन है ये, इन द पास्ट कंपनीज विद इंटरनेशनल एस्पिरेशन सिंपली फेमिलराइज देमसेल्व्स विद एनी डिफरेंसेस इन द लीगल सिस्टम और इन द प्रोसीजर यूज इन डे टू डे बिजनेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। नाउ वी मॉडर्न ट्रेड हाउ एवर डिमांड्स मोर फ्रॉम कंपनीज, सो स्टिल सी टुडे द कंपनी सीकिंग इंटरनेशनल सक्सेस मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड द पीपल who live and work in countries they deal, okay, with how they think, behave and do business, okay, yahan pe hamara also use hua hai. Now D, to succeed in today's global market place, it is essential to learn as much as possible about the condition in the overseas market. Theek hai, to yahan se D is the sentence, you know, which gives you a clear picture. क्लियर पिक्चर क्या है कि आज के टाइम पे ग्लोबल मार्केट के बारे में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इफ यू वांट टू हैव अ मार्केट ओवरसीज। सो ऑब्वियसली डी आपका स्टार्टिंग सेंटेंस होगा। ठीक है, सी आल्सो इज, यू नो, सी भी इसी चीज के बारे में है, बट यहाँ पे बस ये आल्सो जो है इट्स चेंजिंग द गेम, ये पूरी तरीके से उसको सही सेंटेंस नहीं होने दे रहा है स्टार्टिंग करने के लिए। नाउ As you say to succeed in the today's global market, तो आप कंपेयर करोगे उसके बाद इन द पास्ट, मतलब पहले क्या हुआ करता था। इन द पास्ट कंपनीज विद इंटरनेशनल एस्पिरेशन सिंपली फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद एनी डिफरेंसेस इन द लीगल सिस्टम और इन द प्रोसीजर यूज्ड इन डे टू डे बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो डी एंड ए, एंड देन व्हिच इज फॉलोड बाय मॉडर्न ट्रेड हाउएवर डिमांड्स मोर फ्रॉम कंपनीज। ठीक है, जबकि मॉडर्न ट्रेड जो है वो लोगों कंपनी से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करता है, जो कि क्या है, कंपनी सीकिंग दिस एंड दिस। ठीक है, तो बी एंड देन सी, डी ए बी सी। नाउ अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आपको बताती हूँ जो बहुत काम का है व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन, और आपको जब कभी कंफ्यूजन हो, जैसे अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सी और डी के बीच में डिसाइड करना कभी कभी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। यू माइट बी कंफ्यूज, और फिर आपको ये भी लग सकता है दैट सी इज सो स्ट्रॉन्ग, सी जो है इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग सेंटेंस, सो वेयर टू पुट इट। ठीक है, मतलब या तो ये स्टार्टिंग में ही होना चाहिए था या फिर उसको कहाँ पुट करें। तो ऐसे जब भी आपको सिचुएशन आपको लगे दैट देयर आर टू सेंटेंसेस व्हिच आर इक्वली गुड टू बी स्टार्टिंग सेंटेंस, ठीक है, तो अगर उनमें से कोई एक स्टार्टिंग होगा तो ये एक ट्रिक याद रखिएगा, अदर वन इज गोइंग टू बी दी एंडिंग सेंटेंस, जो कि यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है डी ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अपन। चलिए, सो इट मेंशंस अ वीडियो ऑन टिकटॉक That question and influences, obviously, ये आपका starting sentence नहीं होगा। Social media has given us the expectation that every video, every tweet needs to be irreproachable and encompass the lived experiences of the audience. Okay? Now, should celebs always have a take? Ask an article in the magazine. ठीक है? तो एक magazine में article में ये question किया गया है। ठीक है? ऐसा बोला गया है। ठीक है? Now वो सेंटेंस जो आपको ये आइडिया दे रहा है कि भाई क्या किस चीज के बारे में बात हो रही है, वो आपका बी सेंटेंस। बी टेल्स यू कि सोशल मीडिया जो है वो एक्सपेक्टेशन देता है कि एवरी ट्वीट, कि अगर किसी ने कुछ ट्वीट किया है तो पीपल शुड अप्रोच, पीपल शुड, यू नो, थिंक अबाउट दैट, उसको और भी फ्रे करना चाहिए। ठीक है, सो बी आपका स्टार्टिंग सेंटेंस होगा विच गिव्स यू एन ओवरऑल आइडिया कि भाई शुरुआत कहां से आपको करनी चाहिए। ठीक है, नाउ इसके बाद वील से दैट शुड दिस इज व्हाट इज डन, तो क्या ऐसा करना चाहिए, शुड सेलेब ऑलवेज हैव अ टेक, आस्क एन आर्टिकल इन दी मैगजीन। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में मैगजीन में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, नाउ ए सेज इट मेंशंस वीडियो ऑन टिकटॉक। ठीक है, सो यू विल हैव टू थिंक अबाउट कि यहाँ पे इट किस चीज के लिए यूज किया है हमने, एंड देन डी सेज डू यू गाइज इवन केयर About the issue, ठीक है? So it basically in the A sentence talks about magazine, ठीक है? Magazine में जो article है, a video on the TikTok, that question and influencer, और question क्या था? Do you guys even care about the issue and this, तो B, C and then A and then D is your sequence, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, विच इज अगेन आईपीएमएट 2021 का ही क्वेश्चन है ये। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आईपीएमएट 2021 जो कि इंदौर में आया था, एंड यू कैन सी दिस इज कंपैरेटिवली इजीयर। तो इफ यू विल गो बैक, आई विल जस्ट टेल यू, देखिए 2021 7 8 एंड 9 यू कैन सी इज वेरी इजी, देख के समझ में आ रहा है, बहुत आसान है।
एंड आउट ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन सेवेंथ वॉज अभी ट्रिकी बट बाकी क्वेश्चन इजी थे. तो इन अ रीसेंट इंसिडेंट विलेजर्स इन द टी एस्टेट वर शॉक्ड टू फाइंड अ लेपर्ड कब इन अ ट्रेच. ठीक है, तो शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत सेंटेंस इजी क्वेश्चन है तो जल्दी सॉल्व कर लो. दी 12,500 लेपर्ड इन इंडिया श्रिंक टू विलेजेस ड्यू टू देयर श्रिंकिंग हैबिटेट. ठीक है, तो ये हमारी सेंट्रल आइडिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. देन दी रीसेंट सेंट दी अदर सेंटेंसेस आर अबाउट दी एग्जाम्पल इटसेल्फ. ठीक है, तो सी और उसके बाद रीसेंट इंसिडेंट्स में क्या हुआ. ए विलेजेस टी एस्टेट द काउ वाज फाउंड. ठीक है, द काउ वाज देन टेकन टू एरिया. तो एरिया में बाद में जाएगा, पहले कहाँ आएगा, वो वेट के पास आएगा. द वाइल्ड लाइफ वेट एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर्ड टू बी अनइंजर्ड बट डिहाइड्रेटेड. ठीक है, तो सी ए डी एंड देन लास्टली ही वाज रिलीज्ड इनटू द एरिया वेयर ही वाज फाउंड. ठीक है, तो आंसर हो गया. नाउ यहां पे 2021 आईपीएमएट की क्वेश्चंस खत्म होते हैं 2022. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, एज यू कैन सी 1 1 2 3 4 5 5 सेंटेंसेस आर देयर टू सीक्वेंस. रीडिंग इट, अ सब पर मॉनसून कट्स फॉर मील आउटपुट एंड फार्म इनकम इंक्रीजिंग द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन द फूड इंपोर्ट. सेकेंड, अ रॉब्यूस्ट मॉनसून विल हेल्प अलेट ऑन फूड इन्फ्लेशन बाई इंक्रीजिंग डोमेस्टिक आउटपुट फॉर वेराइटी ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज. थर्ड, दिस इज बिकॉज हाफ. सो ऑब्वियसली अभी तक हमें स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं मिला है. फोर्थ, जून टू सेप्टेम्बर रेन बियरिंग सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड द लाइफ फुड ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी. दिस इज दी सेंट्रल आइडिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस. सो फोर्थ से हम अपने सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे. जून टू सेप्टेम्बर रेन बियरिंग सिस्टम, सो इट टेल्स यू दैट द सेंट्रल आइडिया इज. Then this is because half the Indian population depends upon the farm-derived income. Here we have talked about lifeblood of the country's economy. So this is justification. This is because it's giving the justification for that. So fourth is the starting, and then three, and then unfortunately, however, this tells us nearly 40% of India's net zoned area does not have access to irrigation. So this tells us the dependence on the monsoon. So, and then talking about one and two, a subpar monsoon cuts farm yield output and farm income, increasing the country's dependence on the food imports. Second, a robust monsoon will help put a lid on the food inflation by increasing domestic output of the variety of goods. So, अगर हम वन और टू के बारे में बात करें कि किसको पहले आना चाहिए किसको बाद में आना चाहिए, दिस इज वेरी श्योर अबाउट दैट. वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट वन एंड टू आर रिलेटेड एंड दे आर सपोज टू कम टुगेदर. बट फाइव से जो रिलेट होता है, दे टॉक अबाउट एक्सेस टू इरीगेशन. तो यहाँ पे वन इज मोर अप्रोप्रिएट टू बी पुट फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाई टू, बिकॉज टू ऑल्सो गिवस यू काइंड ऑफ अ कंक्लूजन दैट इज गुड फॉर द होल पैरा वी हैव हियर. Now coming to the next question, question number 11. As you know that we are doing right now, I've met in the 2022 paper में जो आया था, उन questions को solve कर रहे हैं. One question we have done, that is the 10th question. Now we are on the 11th question. The popularity of these creation, तो यहाँ पे these creation बोला है, so obviously it is referring to something that we don't have yet. So however, savvy tourist find the best bargain for ceramics in Tokyo's kitchen town. Then you have modern shopping touristy shop, spots display thousands of them, both handcrafted and factory made. Now, four Japanese artisans have been making ceramics. So, यहाँ से हमें पता चलता है that the whole para is talking about Japanese artisans who are making ceramics. So, known as Yakimono since prehistoric era. So, fourth से हम अपने sequence को start करेंगे. Then दी पॉपुलरिटी ऑफ दीज क्रिएशन, हमें यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में जो दीज क्रिएशन है वो समझ में आया, दैट इज रेफरिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस. तो हम फर्स्ट से वन को लिंक कर पा रहे हैं. हाउ एवर सेवी टूरिस्ट फाइंड द बेस्ट बार्गेन फॉर सिरेमिक्स इन टोक्योस किचन टाउन. तो नहीं, इट कैन नॉट जस्ट कम जस्ट आफ्टर कैन नॉट कम जस्ट आफ्टर वन. There has to be three because it tells you we have to justify this. However, so modern shops and touristy spots. The tourist spots के बारे में बात करें, they both handcrafted and factory made. However, justify it now. Savvy tourist, right? So three and two gets linked properly here, right? So the sequence will be 4, 1, 3, and 2. Question number 12 पे आते हैं. The Central African Republic has approved Bitcoin as an official currency. So feel like this could be your starting sentence.
Let us read to confirm it. Experts foresee that this will damage the environment as well as the economy. Others claim that this may make money laundering easy and also use a lot of electricity. Economists criticize this move as a potential risk to the financial stability of the nation. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे in the fourth sentence they have given this move. So this move here refers to the first sentence. So we are sure that first is starting and which is being followed by four. Now expert foresee, you know, we are very sure that two and three are related and they are obviously bound to come together. But here expert foresee and other claim, this tells us that two will be followed by three rather than three will be followed by two. ठीक है, एक easy question था. One question that you cannot miss on and you cannot leave it. Now, this means the brain receives less input over the course of a day. So, obviously, ये starting नहीं होगी. Youthful eyes jiggle regularly to take in new or unfamiliar stimuli. As a person attests to those eye ages, the eye muscle grows slow and the pathway between the eye and the so we don't have still the starting sentence. Eye quickly scan the surroundings and then send the data to the brain. Now the fourth sentence the fifth sentence tells you the human eye, okay, which you know is more classified, like it tells you specifically that we are talking about the human eye, okay. So fifth para mein starting hamari 13th question mein starting hamari fifth question fifth option se hogi. The fifth will be starting. Human eye perform jiggles, more formally called sakets, in the response of a change in the field of vision, starting hamari 5 se hogi. Now for our eye quickly scan the surroundings and send the data to the brain, so fourth uske baad isko follow karega. Youthful eye jiggle regularly to take in, because why we need to put this youthful first, because later on we need to have this eye ages, right? So hum pehle hum youthful eye ke bare mein batayenge, then we'll tell that as the eye ages, ठीक है, तो थर्ड को पुट करेंगे एंड फर्स्ट रीड करोगे. दिस मीन्स द ब्रेन रिसीव लेस इनपुट ओवर द कोर्स ऑफ अ डे. ठीक है, सो 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 1 विल बी योर सीक्वेंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. लोकेटेड इन फुटहिल्स ऑफ अ सियोन फोर्ट, द लेक इज अ ग्रेड 2 ए हेरिटेज स्ट्रक्चर डेटिंग बैक टू द 17th सेंचुरी. Once home to a several marine creatures, the lake is now surrounded by high-rise residential buildings. The municipal corporation is set to breathe life back into the city's and Talao Lake with the rejuvenation and beautification of the century-old lake. So this gives you the central idea that the whole para is about that the municipal corporation is getting to, you know, rejuvenate the lake there, right? So third se start karenge hum is pure sequence ko. Now fourth, over the year the lake was lake has lost its prominence, so and then fifth, say earlier the talao was a known natural water tank with the Sion hillock expanding around it like an enclosing wall. So agar aapne abhi tak read kiya the first sentence ko, if you'll get back to the first sentence, located in the foothills, so third tells you that municipal corporation is thinking about rejuvenating it. And then first tells you what it is, what where it exactly situated. तो उसके बारे में extra information हमको first से मिल रही है. So threesome starting करेंगे, which will be followed by one. ठीक है? फिर हम बताएंगे earlier the तालाब was known natural water tank, this yon hillock expanding around it like an enclosing wall. तो उसके बाद हम fifth put up करेंगे. ठीक है? And then once home to several marine creatures, the lake is now surrounded by high-rise residential buildings. Over the years, the lake has lost its prominence. ठीक है, अब हमें decide करना है. We need to decide about 4 and 2. ठीक है, कि 4 को पहले आना चाहिए या फिर 2 को पहले आना चाहिए. ठीक है, we can also think of that which sentence is more appropriate to be put at the end of the para. Para के end में आप किसको put करना चाहोगे? Now. Four says over the years lake has lost its prominence, मतलब ये एक process को बता रहा है. And two is the result, two उसका result है. Once home to the several marine creature, the lake is now surrounded by high-rise residential building. ठीक है, so it's better to put 4 first and then 2 followed by 4. So the final sequence will be 3, 1, 5, 4 and 2. ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा IPMET Indore 2022 में there were 5 questions data there. ठीक है, ऑल द फाइव क्वेश्चन वी हैव सॉल्व, जस्ट टेक अ लुक ओवर हियर.
क्वेश्चन से लेके स्टार्ट किया था हमने, 10th, 11th, 12th एंड 13th एंड 14th, ठीक है। इफ यू थिंक अबाउट, तो इसमें से अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चंस वर डूएबल एंड या इजीली डूएबल, आई विल से डूएबल टू ऑल द 5 आर देयर, बट 3 आर इजीली डूएबल। दो में थोड़ा सा हार्श हार्श आपको लगेगी, बट देन यू नो अगर थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट या और टाइम स्पेयर कर पाएंगे तब उसको भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15th पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15th पे आते हैं हम। इन दिस क्वेश्चन, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम जेआईपी मेट 2021 पे आ गए हम। एज यू नो इन द जेआईपी मेट वी गेट क्वेश्चन इन द पैराजिम्बल सेक्शन विद ऑप्शंस, एमसीक्यू होते हैं, ये करने में बहुत आसान होते हैं। तो यू हैव टी क्यू आर एस, फोर सेंटेंसेस आ दिया है, फोर ऑप्शंस आ दिया है, यू हैव द सीक्वेंस एंड यू टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो अगर इन सेंटेंसेस को आप रीड करोगे तो यहाँ पे देयर इज वन पेयर दैट यू कैन आइडेंटिफाई, मेजोरिटी कम्युनलिज्म कैन एक्वायर पावर फार बियॉन्ड दैट एनी माइनॉरिटी कम्युनलिज्म कैन। तो एस एन पी इज अ पेयर जो साथ में ही आएगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कुछ ऑप्शन को सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, विच आर बी एंड डी। नाउ वी आर लेफ्ट विद ए एंड सी। नाउ ए सेज क्यू इज स्टार्टिंग विच इज That in a domestic setup like India, and then and this for the simple reason. So this is not, you know, यहाँ पे ये match नहीं हो पा रहा है. This means A हमारा answer नहीं होगा. यहाँ से answer आपका C आ जाता है, which is the correct answer. But you know, just to make sure, अगर आपको लगता है कि आपको इसको पूरा solve करना है, तो कर सकते हो. Starting अगर हम let's see इसको जब इसको sequence करते हैं, and this for the simple reason, followed by that in a domestic setup. Like India, majority communalism can acquire power far beyond that in minority communalism can. ठीक है, so answer हमारा C हो जाता है. Question number 16, this was a very easy question that was done in the JPMAT 2021. ये वो question होते हैं जो आपके time save करते हैं, यानी कि इनको आप जल्दी करें जिससे कि बाकी questions में time दे पाए. तो there are, you know, this is इसको हम word jumble बोलते हैं actually, ठीक है, जहाँ पे sentence नहीं word को jumble किया हुआ है. So it is the first, what is the second, what is the third, and you is the fourth, and is the fifth, and what is sixth one, ठीक है. तो कहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक, स्टार्टिंग हमारी as you can see what is there, तो हमारी ये interrogative sentence है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है. The sentence will become something like that, is it not what you wanted, नहीं? तो इसके हिसाब से स्टार्टिंग हमारी 5 से होगी. स्टार्टिंग 5 से होते हुए देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ठीक है, आंसर हो गया, आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 17th पे आते हैं अपन. अगेन वी हैव अ क्वेश्चन विच इज ऑफ द वर्ड जंबल, ठीक है, वर्ड जंबल का क्वेश्चन है आप यहाँ पे ये. सो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, अगर फोर्थ वर्ड को आप देखोगे देयर है वो, ठीक है, तो मोस्टली देयर से ही स्टार्टिंग होती है. देयर आर, ठीक है, थ्री रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका पूरा सेंटेंस बनेगा. सो देयर से स्टार्टिंग होगी, दैट मींस फोर्थ से स्टार्टिंग होगी, देयर इज ओनली वन ऑप्शन व्हिच इज हैविंग दैट, सो आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 18th पे आते हैं. अमंग व्हाट इज द पीपल टू सी हेल्थ एज दिस इज देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द ओनली होपफुल साइन इन सच अ सिचुएशन, ठीक है. सो स्टार्टिंग लगता है ऐसे होनी चाहिए, द ओनली होपफुल साइन इन सच अ सिचुएशन इज दैट देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी among ordinary people people to see health as a right and responsibility. SQPR is the answer. Answer C ho gaya. Next question, question mein 19th pe aate hain apan. Responsible for anything we would be held that went wrong, we were told that. Theek hai, to starting aap samajh gaye hoge aise hogi. We were told that we would be held responsible. ठीक है, तो एक और चीज जो आप कर सकते हो, Q और P यहाँ पे एक पेयर है, उसके हिसाब से भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है. तो वी वर टोल्ड दैट वी वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, यानी कि एस इज दी स्टार्टिंग, एस इज दी स्टार्टिंग फॉलोड बाय क्यू पी एंड देन आर, दैट वेंट रॉन्ग, ठीक. तो एस क्यू पी आर शुड बी योर सीक्वेंस, दैट इज ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. This is the last question for this particular video. So for 5 years, I was sure when I decided to go abroad that my grandmother would be upset and at her age. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो pair है उनके बारे में पहले बात कर लें. Pair ये है that R and S are bound to come together.
ठीक है, आर और एस अगर साथ में आने वाले हैं देन डू यू हैव सच ऑप्शन? आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं? बिल्कुल ऑप्शन है अपने हमारे पास. तो लेट्स सी, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, तो फॉर 5 इयर्स क्यू एंड पी इज ऑल्सो आर वन ऑफ द पेयर. ठीक है, सो क्यू पी आर एस, दिस शुड बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन डी. देखेंगे एक बार, रीड करेंगे और सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है. फर्स्ट सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद यट. So yet, even as TikTok delights consumers and advertisers, others believe the Sunny app has a dark side. ठीक है, तो किसी डार्क साइड के बारे में बात करें. Since launching just 5 years ago, the app has brought a warm glow on its 1 million plus user. तो ये भी the app इन्होंने बोला है, so it doesn't clearly indicate कि किस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं. Now, which dance its owner has its headquarters in China, whose government is addicted to surveillance and propaganda, making it a worrying place for a media app to be placed. And the fourth sentence is, with its wholesome dancing and lip syncing video, the TikTok once billed itself as the last sunny corner of the internet. ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है टिकटॉक के बारे में बात हो रहा है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दी डांसिंग एंड लिप सिंकिंग वीडियो स्पेसिफिकली. ठीक है, तो फोर्थ से हम अपने सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे. जैसा कि मैंने बताया, टिकटॉक का नेम यहाँ पे भी लिया गया था फर्स्ट में, बट इट स्टार्टेड विथ यट. ठीक है, और किसी डार्क साइड के बारे में बात की थी, विच आई थिंक इज बीन गिवन इन दी थर्ड सेंटेंस, जो कि थर्ड सेंटेंस में दिया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज द डार्क साइड जो कि थर्ड सेंटेंस में दिया हुआ है आई गेस. सो वन एंड थ्री, जैसे कि आप लोग जानते हो, हमको हमेशा पैराजिम्बल्स में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाना अच्छा रहता है. लाइक यहाँ पे कंपल्सरी पेयर देखोगे तो फर्स्ट और थ्री एक कंपल्सरी पेयर है जो साथ में ही आएगा. हमारा सीक्वेंस फोर से स्टार्ट होगा. ठीक है, एंड देन टू जो हमें बता रहा है कि हमने स्टार्ट किया टिकटॉक से, एंड देन वी आर टेलिंग दैट कब स्टार्ट हुआ था, तो सिंस लॉन्चिंग जस्ट 5 इयर्स अगो. ठीक है, यानी कि फोर इन टू, एंड देन फिर हम बताएंगे कि यट एंड देन वन एंड थ्री. ठीक है, ये इसका सीक्वेंस रहेगा. आई वुड से, जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि पैराजिमल टीटा क्वेश्चन को लेके बच्चों में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, बट आई से दैट आप कभी भी उसको ऐसा अज्यूम करके मत जाना, डिसाइड करके मत जाना कि हमें इसको अवॉइड ही करना है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी भी पूछे जा सकते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, 22 में अगेन फोर सेंटेंसेस आ रहे हैं, लेट्स रीड देम. वंस दे रीच अ हाई एल्टीट्यूड, सो दे रीच अ हाई एल्टीट्यूड, दिस कांट बी द स्टार्टिंग. एन एक्सपर्ट फ्रॉम द टीम एक्सप्लेन्ड, फ्रॉम द टीम एक्सप्लेन्ड, यानी कोई पर्टिकुलर टीम के बारे में बात कर रहे हैं. द विंड कैरीज देम ऑफ द सर्फेस एंड इन टू द एटमोसफेयर. तो अभी अगेन देम है, और तो ये भी हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं लग रहा है. फोर्थ को रीड करते हैं. अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट क्लाउड्स हैड कैरी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, दैट सीम्स टू बी योर स्टार्टिंग. तो स्टार्टिंग सेंटेंस हमारा फोर हो जाएगा. ठीक है, तो फोर में हमको समझ में आया कि किसी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है. एन एक्सपर्ट फ्रॉम द टीम, तो ये जो टीम है उसी के बारे में बात कर रहे हैं सेकेंड में, कि किसी एक एक्सपर्ट ने कुछ चीजें एक्सप्लेन की है. सो फोर गोज टू टू, एंड देन द विंड कैरीज देम ऑफ द सर्फेस. तो पहले हम बताएंगे कि विंड उनको ऑफ द सर्फेस लेके जाता है, फिर हम बताएंगे कि हाई एल्टीट्यूड पे जब वो जाते हैं तो ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो फोर टू एंड देन थ्री एंड देन वन, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22. आईपीएम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं. सो अगेन वी हैव फोर सेंटेंसेस जिसका हमको सही सीक्वेंस बताना है. सो दिस इंस्टेंस हाईलाइट्स हाउ यंग पीपल, तो यहाँ पे दिस इंस्टेंस बोला हुआ है. सो दिस कुड नॉट बी दी स्टार्टिंग बिकॉज ये कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस को यहाँ पे रेफर कर रहा है. लेट्स रीड मोर. पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम कैन मोटिवेट चिल्ड्रन टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिली टुवर्ड्स द एनवायरमेंट. ये आपका स्टार्टिंग हो सकता है बिकॉज इससे हमें आइडिया लग रहा है कि दिस पैरा इज अबाउट एनवायरमेंट के एजुकेशन टुवर्ड्स द चिल्ड्रन. ठीक है, और वो उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल बना सकती है टुवर्ड्स एनवायरमेंट. तो ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है. दे वर मोटिवेटेड टू एक्ट इन वेज दैट वुड हेल्प. तो अब यहाँ पे दे यूज हुआ है, दैट मीन्स अभी हमें और रीड करना होगा. 600 elementary school children from various social and linguistic groups participated. ठीक है, सो क्या समझ में आ रहा है हमको? ये समझ में आ रहा है that second sentence is the idea जिसका example हमको fourth में दिया जा रहा है. ठीक
ठीक है, यानी कि टू इज स्टार्टिंग विच विल लीड टू फोर। जैसे कि हम जानते हैं हमेशा आइडिया कम्स फर्स्ट देन कम्स द एग्जाम्पल, सो टू लीडिंग टू फोर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? नाउ दे वर मोटिवेटेड टू एक्ट इन वेज दैट वुड हेल्प द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट लाइक यूजिंग। तो दे वर मोटिवेटेड यानी कि स्पेसिफिकली हमें इन 600 एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि दिस फोर इज लिंक्ड टू थ्री एंड देन दिस इंस्टेंस हाईलाइट। ये जो उन्होंने किया दिस एंटायर थिंग, ये पूरी की पूरी जो इंस्टेंस है ये हाईलाइट करती है हाउ यंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कैन मेक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। तो काइंड ऑफ ये कंक्लूजन भी हो सकता है। सो 2 4 3 1 ये हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, अगेन 4 सेंटेंसेस याद है, उसको एक बार हम रीड करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। बट द म्यूटिनी ऑफ विशाखापट्टनम प्रीडेट्स दिस, सो प्रीडेट्स दिस तो हमें नहीं पता कि किसके बारे में बात कर रहा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट द हेरोइक लीडर द सिपॉय अटैक्ड द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द टाउन। ओके, द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 इन द गैरिसन टाउन ऑफ मेरठ इज रिगार्डेड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है जिसके बारे में बात की है। इट हैपेंड इन 1780। ठीक है, अब ये इट इज रेफरिंग टू वन। ठीक है, ये वन को रेफर कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हम बताएंगे तो सिपॉय म्यूटिनी कब हुई थी। ठीक है, फिर हम बताएंगे बट द म्यूटिनी ऑफ विशाखापट्टनम प्रिडिक्ट्स दिस। ठीक है, उसको फर्स्ट वॉर माना जाता है, बट ठीक है फर्स्ट जो होना चाहिए वो विशाखापट्टनम का होना चाहिए। दैट मीन्स 3 इज स्टार्टिंग विच इज लीडिंग टू वन। ठीक है, देन हम बता रहे हैं डिटेल ऑफ विशाखापट्टनम प्रिडिक्ट, विशाखापट्टनम म्यूटिनी दैट इज फोर्थ में हम बताएंगे कि ये 1780 में हुआ था और ब्रिटिश ऑफिसर आस्क्ड लोकल सिपॉय टू जॉइन द फाइट अगेंस्ट हैदर अली इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट देयर हेरोइक लीडर द सिपॉय अटैक द ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, सो 4 एंड लास्ट में 2 आ जाएगा। ठीक है, सो 3 1 4 2 हमारा जो है वो करेक्ट सीक्वेंस होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तो आई थिंक मैं 2023 में आया हूँ, आज ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम जेईई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। व्हाट इज मोर शॉकिंग टू ऑब्जर्व इज हाउ ऑफन सच स्ट्रोक लीड टू डेथ। ठीक है, सो सच स्ट्रोक बोला है, तो लेट्स सी किस टाइप के स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस आवर वाइटल ऑर्गन्स स्वेल एंड इट कॉजेस डेथ। ओके, वन मेन रीजन ऑफ दिस इज द स्पीड ऑफ ब्रेथिंग हीट कैन अफेक्ट द बॉडी। हीट स्ट्रोक्स हैव बिकम मोर कॉमन इन आवर कंट्री इवन देन एवर बिफोर, यानी कि फोर्थ से हम स्टार्टिंग करेंगे, इसे मेरे मन में आ रहा है कि हीट स्ट्रोक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देन व्हाट इज मोर शॉकिंग टू ऑब्जर्व इज फोर्थ से स्टार्टिंग करने के बाद हम बताएंगे कि ज्यादा शॉकिंग क्या है। ठीक है, बिकॉज हम बोल रहे हैं हैव इवन मोर कॉमन इन आर कंट्री देन एवर बिफोर, उससे ज्यादा शॉकिंग क्या है? हाउ ऑफन सच स्ट्रोक लीड टू डेथ। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये थर्ड में हमें पता चल रहा है। वन मेन रीजन फॉर दिस दैट पीपल अंडर एस्टिमेट हाउ बैडली हीट कैन अफेक्ट द बॉडी। हाउ बैडली इट कैन अफेक्ट, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस आवर वाइटल ऑर्गन स्वेल एंड दिस कॉजेस डेथ। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हमको 4 1 3 2 में मिल रहा है। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, फोर से स्टार्ट होगी 1 3 एंड 2। ठीक है, नाउ वी आर डन विद द आईपीमेट 2023 क्वेश्चन। यहाँ पे आईपीमेट इंदौर में आवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, जेआईपीमेट 2023 में 2 क्वेश्चन वो रहे फ्रॉम पैरा जंबल, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं इनको। टू पी इज अराउंड द टाउन, क्यू इज व्हेन आई वाज यंग, आर वाज डिलीवरिंग फूड टू कस्टमर्स, एस इज शॉपकीपर व्हाट साइकिल। ठीक है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग हमारा क्यू से होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, सो द बेस्ट पार्ट इज दैट देयर इज ओनली वन ऑप्शन व्हिच इज स्टार्टिंग विद क्यू, सो व्हाई टू गो एंड सॉल्व ऑल द अदर आल्सो, बट इफ यू वांट टू बी श्योर, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप पूरा सॉल्व कर लो। व्हेन आई वाज यंग शॉपकीपर वुड साइकिल अराउंड द टाउन डिलीवरिंग द फूड टू कस्टमर्स। ठीक है, यानी कि क्यू से स्टार्ट हुआ, आर से खत्म हुआ, आंसर भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, एन एक्स्ट्रा पर्सन दिस कार्ड एंटाइटल्स विद यू फ्री यू टू टेक। ठीक है, सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग क्यू से होगी क्योंकि दिस कार्ड एंटाइटल्स ये सब्जेक्ट दिखता है हमें सेंटेंस में। अगेन क्यू से स्टार्ट होता हुआ देयर इज ओनली वन ऑप्शन, वही आंसर होगा, बट लेट्स बी मोर श्योर अबाउट इट।
सो दिस कार्ड एंटाइटल्स यू टू टेक एन एक्स्ट्रा पर्सन विथ यू फ्री. तो आर पे खत्म हो रहा है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, आंसर इज ए. ठीक है, सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करके फिर सोल्यूशन देख रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन आर रियली इम्पोर्टेंट. ठीक है, इंग्लिश में स्पेसिफिकली यू नीड टू स्कोर मोर. तो आप किसी भी सेक्शन को, किसी भी टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, सो आई होप ये आपको हेल्प करे. आप बिल्कुल पर्सनल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ पहले एक्सेस करके देन आफ्टर सॉल्विंग इट यू कैन वॉच द वीडियो सॉल्यूशन. एंड आल्सो अचीवर्स बैच फॉर आईपीएमएट 2025 द रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑलरेडी स्टार्टेड. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्रिपेयर फॉर आईपीएमएट 2025 यू कैन एनरोल फ्रॉम माय वेबसाइट. बाय बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक.